नमस्कार, यूसर्च स्टूडियो में मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ यूसर्च लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर सुशील चंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में है और आज आप व्याख्यान देंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पे। तो मैं सर आपको आमंत्रित करता हूँ लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे। इसकी एक लेक्चर सीरीज आने वाले टाइम में आगे स्टूडियो से प्रसारित होती रहेगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर्स के यूजेस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर अपनी मेमोरी को कैसे यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ FOSS आजकल चल रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इन सब का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, ये सब इस लेक्चर सीरीज में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस को भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो आजकल पॉपुलर हैं, पाइथन हो गया, C++, जावा, इनके एप्लेट्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हम आने वाली सीरीज में अपनी इस क्लास से डिलीवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर जो टर्म है, ये टर्म कॉइन कहाँ से हुआ? कंप्यूटर जो टर्म है ये आया आपका कंप्यूट वर्ड से, COMPUTE, कंप्यूट। कंप्यूट माने होता है गणना करना, राइट? जैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने सभी ने किया होगा, आप उसमें कोई भी चीज़, कोई भी नंबर इनपुट करते हैं और जो भी आपको आउटपुट चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू द जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उस बटन को प्रेस करते हैं और आपको एक आउटपुट मिलता है गणना करने के बाद। इसी से कंप्यूट से जो है हमारा जो है कंप्यूटर वर्ड निकल के आए, राइट? इसके जनरल टर्म में इसकी जो डेफिनेशन होती है इसको कहते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट? इसमें आप देख सकते हैं एक ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी यूज हो रही है, रिसर्च पर्पस के लिए। लाइक आजकल वर्ल्ड में जो भी आप टास्क देख रहे हो, जो भी आप काम देख रहे हो, सब में आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ के किसी फेज में कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा है, राइट? तो जनरली इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, जन डेफिनेशन इसकी जो प्रॉप चलती है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेती है और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट मिलता है, राइट? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स रिक्वायर्ड आउटपुट, राइट? अगर इनपुट की बात करें, इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट आपका रॉ डेटा, राइट? रॉ डेटा होता है इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक नंबर डाला यहाँ से 2+2 करा मैंने, राइट? यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ पर इस पर प्रोसेस हुई और इसके बाद ये आपको यहाँ पर आउटपुट कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद आपको देगा, राइट? तो इनपुट जो हम करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रॉ डेटा होता है, राइट? रॉ डेटा मीन्स कि उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आएगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमको सामने आएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक सम किया है 2+2, राइट? तो 2+2 आपको मालूम है 4 होता है, तो इन दैट केस 4 क्या हो गया, अपने एक क्या है, इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, जब यहाँ पर इसमें प्रोसेस हुआ, प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ जो एडिशन का हमने साइन दिया हुआ है, ये साइन यहाँ पर इस पर प्रोसेस हुई। और ये प्रोसेस कौन करता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, किस तरीके से प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिला, राइट?
अगर हम डेटा की बात करें, ये जो हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, ये डेटा भी अपने आप में इंफॉर्मेशन होता है। कई टर्म्स में ये डेटा भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। कैसे? अगर आप देखोगे कि टू है, टू एक नंबर है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आप कैसा डेटा इनपुट कर रहे हो। अगर टू का आप बात करोगे, टू अपने आप में एक नंबर है, नंबर मींस एक इंफॉर्मेशन है, टू नंबर है तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। आपने कहा टू प्लस टू कहा, राइट, इन दैट केस टू प्लस टू क्या हो गया, डेटा हो गया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन के रूप में क्या चाहिए, फोर चाहिए, तो ये हमारा डेटा हो गया और ये इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक करोगे छोटे उसमें, तो वो डेटा हो गया, तो ये आपका टू डेटा इन दैट केस, राइट। जनरल अगर बात करें जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, इसके बारे में बात करें, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम घर में चाय बनाते हैं, राइट, हम एक चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, मेरे ख्याल से हर बच्चा इसको समझता होगा, क्योंकि चाय बनाना हर घर में पी जाती है और आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे। चाय के लिए जैसे आपको चाहिए, आपको वाटर चाहिए, राइट, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, राइट, चाय पत्ती चाहिए, और जो भी इंग्रीडियंट्स आप उसमें डालना चाहते हैं वो सब आपको चाहिए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एक तरीके से रॉ मटेरियल हुआ। उसको आपने क्या करा, एक पैन में रखा, राइट, गैस के ऊपर आपने उसको रखा, गैस ऑन करी, ये सब उस पर क्या हुआ, आफ्टर दैट जब आपने गैस पर रखा तो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद आपके पास क्या हुआ, आपके टी बन के आ गई, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन के आ गई, राइट, अगर इसको आप देखें। और लेकिन अगर आप अपने आप में देखो, जैसे वाटर है, मिल्क है, शुगर है, ये आपने क्या है, डेटा के रूप में इनपुट करा, राइट, तो अगर आप इंडिविजुअली इनको देखोगे, ये भी अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है, शुगर अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है, उसको देखा जाए यहाँ पर, लेकिन हम उसको एज ए डेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि शुगर मीठा है, शुगर भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है ना। जब शुगर को हम एज ए इन्फॉर्मेशन लेंगे, या मिल्क को इन्फॉर्मेशन लेंगे, या वाटर है, तो ये भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो अगर इंडिविजुअली आप ब्रेक करोगे तो ये डेटा है, और अगर किसी, डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा और वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो कंप्यूटर आपका क्या करता है, जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट देता है, राइट। अब इनपुट की बात करें, इनपुट करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में आपके पास क्या ऐसी डिवाइस है जिनकी हेल्प से आप इनपुट कर सकते हो। अगर देखें, इनपुट डिवाइस जो कॉमन प्रॉपर इनपुट डिवाइस हैं, आप देखते होंगे सभी आप लोग इससे मैक्सिमम परिचित होंगे आजकल, कि कीबोर्ड होता है एंड सेकंड वन इज माउस। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, राइट, अगर इनकी हेल्प से आप क्या करते हो, डेटा को इनपुट करते हो। इसके अलावा अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे स्कैनर है, आप लोग देखते होंगे स्कैनर, इनकी हेल्प से आप इमेजेस को स्कैन करते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आप स्कैन करते हो वो आपको फिर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा जॉयस्टिक, राइट, जॉयस्टिक हो गई, इसके अलावा आपका OCR हो गए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, राइट, इसके अलावा OMR रीडर होते हैं, जो आप एग्जाम्स में आप देखते होंगे OMR शीट यूज़ करते हैं, राइट, तो स्कैनर की तरह एक OMR को रिकग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से आप इनपुट करते हो, राइट। इसके अलावा आपके पास आजकल मोबाइल फोन्स हैं जिनमें आप देखते हैं टच स्क्रीन आते हैं, राइट, तो विद दी हेल्प ऑफ टच स्क्रीन आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, जैसे आप ATMs में भी आप देखते हैं, राइट, तो और जो कई जो कियोस्क लगे रहते हैं वहाँ पर भी आप एज अ इनपुट डिवाइस उनको यूज करते हो, तो ये सब इनपुट डिवाइस है जिनकी हेल्प से आप डेटा को इनपुट करते हो, राइट। तो इनपुट जब आपका डेटा हो गया, उसके बाद उस डेटा में क्या होता है, प्रोसेस होती है, राइट। अब प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेस जब हम करते हैं, तो प्रोसेस करने के लिए आपको जो कंप्यूटर है वो आपका करता कैसे है, राइट, यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए आपका होता है CPU, जिसको हम जनरली कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे आपका ब्रेन है ना, मैं आपको इसको समझाने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। जैसे आप अपने आप को, अपनी बॉडी को कंप्यूटर के साथ पूरा कंपेयर करके देख लीजिए, जैसे आप हैं वैसे ही कंप्यूटर है, आपके पास, आपके पास ये मेमोरी है,
कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी है जिसमें वो डेटा स्टोर करता है, आप अपने ब्रेन में स्टोर करते हो, करते हो, आपके पास कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हार्ट है आपके पास, राइट। आपका हार्ट चल रहा है तो आप चल रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का चल रहा है तो कंप्यूटर चल रहा है, राइट। इसके अलावा आपके पास जो है कंप्यूटर के पास प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट, सॉफ्टवेयर्स हो गए और हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता क्या है, हार्डवेयर क्या है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो जैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या करते हो, कोई भी जो प्रोसेस है, जो पर्टिकुलर आउटपुट है, वो आपको सॉफ्टवेयर ही देता है, राइट। जैसे आपने कोई गेम खेल रहे हो तो गेम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। और हार्डवेयर जिनकी हेल्प से आप उस गेम को खेल रहे हो, वो चीज़ आपकी हार्डवेयर हो गई। तो आपके पास क्या है, आपके पास हैंड है, आप देख लो, हमारी आईज है, हमारी नोज है, सब कुछ हमारे बॉडी का पार्ट है जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, ये जनरली क्या है, हार्डवेयर है, राइट। और ये हाथ काम कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मैं देख रहा हूँ फिर फिंगर है, अगर मैं फिंगर को अगर इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो ये कैसे कर रही है, बिकॉज इसमें क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो अंदर हमारे ब्रेन में क्या है, ब्रेन उसको जो हमारा सीपीयू है, हमारे हमारे टर्म में ब्रेन हो गया, यहाँ सीपीयू है जो उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर है, राइट। जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो हार्डवेयर है, और जो प्रोसेस हो रही है जिसकी हेल्प से, वो सॉफ्टवेयर है, राइट। तो सब इसके पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसका एक मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट हो गई, राइट, एक कंट्रोल यूनिट होती है, और तीसरा इसमें एक होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये सीपीयू का पार्ट होता है, तीन पार्ट है इसके, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे आप कोई भी आपने अगर मैथ्स रिलेटेड कैलकुलेशन है, राइट, या लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, जब आप यहाँ से इनपुट करते हैं, जो मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस की हेल्प से, कीबोर्ड या जो भी आपके लिस्टेड इनपुट डिवाइसेज हैं उनकी हेल्प से आप इनपुट करते हो, तो वो सबसे जैसे ही वो आपका सीपीयू में क्या होता है, स्टोर होता है। सीपीयू में कहाँ गया आपका, क्या हुआ, मेमोरी यूनिट ने क्या करा, उस डेटा को स्टोर करा, राइट। जैसे मेमोरी यूनिट ने स्टोर करा तो उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है कि इसमें करना क्या है। जैसे आपसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे 8-5 जा, 8 का मैंने आपसे बोला 8-5 जा क्या होगा, तो आपने क्या हुआ, तुरंत आपके माइंड में क्या हुआ, 8 और 5 इनपुट हुआ, राइट, इनपुट हुआ, वैसे फिर आपके ब्रेन ने क्या करा, उसको प्रोसेस करा, मैंने मल्टीप्लिकेशन पूछा तो आपके ब्रेन ने कहा इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके ब्रेन ने तुरंत उसको एक्सेप्ट करा, उसके बाद उस पर प्रोसेस करी, और प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट डिवाइस, आपके आउटपुट डिवाइस कौन है, या तो आप बाय स्पीकिंग करोगे या बाय राइटिंग करोगे, राइट, दो चीज़ें, तो आपके क्या आपने क्या आउटपुट दे दिया, तो आपके ब्रेन ने क्या करा, सब कुछ उस पर प्रोसेस करी। तो सिमिलरली जैसे ही हमने यहाँ इनपुट करा, मेमोरी में स्टोर हुआ, उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट ने पूरा कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल यूनिट ने देखा ये कैसा है, अर्थमेटिकल, इसमें क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो भी लॉजिकल कैलकुलेशन है वो उसने प्रोसेस करी, आफ्टर दैट इसने फिर मेमोरी यूनिट को दिया, और मेमोरी यूनिट फिर क्या हुआ, कंट्रोल जो है आउटपुट यूनिट के पास आया और आपको डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये सारा काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, राइट। आउटपुट डिवाइस के लिए जो पॉपुलर है आपके पास, आप सभी लोग परिचित होंगे इससे, मॉनिटर आप देखते हैं, राइट, ये सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जिसमें जो भी आउटपुट, जो भी प्रोसेस होती है सीपीयू द्वारा, वो आपको आउटपुट इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा प्रिंटर आपका ये कॉमन जो है, प्रिंटर आपका ये क्या है, कॉमन आउटपुट डिवाइसेज है। फिर प्रिंटर के कई सारे टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जिनके अंदर लेजर हो गया, राइट, इंकजेट प्रिंटर हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे, राइट। तो ये बेसिक वो था कि कंप्यूटर कैसे वो करता है, हमने कोई इनपुट दिया, उस इनपुट पे प्रोसेस हुई, और प्रोसेस होने के बाद हमको क्या दिखाई दिया, यहाँ पर आउटपुट आया, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कंप्यूटर ने जो बेसिक है वो कैसे वो करता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसी में आगे सॉफ्टवेयर की, हम बात करते हैं इसी में जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिटेल में थोड़ा, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर जनरली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक प्रोग्राम्ड वे में लिखे गए हैं, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, राइट, जिनको हम क्या आने वाली क्लासेज में, जो मैंने आपको बताया कि हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जनरली आप ये याद रखिए कैसे। सॉफ्टवेयर भी आपके फिर अलग अलग टाइप्स के हैं, जनरली जो यूज किए जाते हैं वो है एक एप्लीकेशन, और सेकंड वन इज
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। दो इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। इसमें मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा जैसे कि आप अपनी बॉडी को कंप्यूटर मान के चलिए, राइट। तो आप, आपकी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपका हार्ट है। आपने देखा होगा ह्यूमन का हार्ट काम करना बंद कर दिया तो सब सारे जो पार्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे पार्ट्स ने काम करना तुरंत बंद कर दिया, लेकिन हार्ट अगर चला गया तो ह्यूमन डेड हो जाता है, राइट। क्योंकि सिस्टम वो चला रहा है, मेन वो पार्ट, राइट। तो सिमिलरली कंप्यूटर का जो हमारा है, कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो भी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अगले, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी की मदद से क्या है, जो कंप्यूटर आपको जो देख रहे हैं कि रन कर रहा है वो चल रहा है, राइट। सेकंड जो है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे नाम से ही लग रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। जैसे आपने कंप्यूटर में आप MS Word का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग MS Word, राइट। MS Office को यूज कर रहे हो, Excel को यूज कर रहे हो, तो वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर जैसे MS बाय डिफॉल्ट अगर आपके सिस्टम में MS Office नहीं है, या म्यूजिक प्लेयर के लिए कोई सॉफ्टवेयर है अगर वो आपके सिस्टम में नहीं है, तो इट डजंट मीन कि आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम आपका तब भी रन करेगा क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके उसमें है, सिस्टम आपका जो OS है OS वर्क कर रहा है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आपका एप्लीकेशन अगर आपने डाल दी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका रन करेगा, राइट। सिमिलरली जो मैंने बताया आपका हार्ट टेक काम करना बंद कर दिया, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल काफ़ी आप लोग जो है अपने अंगों को दान कर रहे हैं। आपने देखा हो जैसे ह्यूमन बॉडी डेड होती है, उसके कुछ टाइम के अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे आईज हैं, राइट, या आपके जो भी किडनी है और भी जो पार्ट्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि वो क्या होता है, आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बंद होने के बाद भी कुछ समय तक काम कर रहे होते हैं, अगर उनको प्रिजर्व कर लिया जाए चीज़ें, तो वो क्या हो सकते हैं, दूसरे में आप उनको क्या कर सकते हो, जैसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप दूसरे ह्यूमन बॉडी में उनको इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे हमारे आईज के लिए जो है प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। हैंड्स जो मूवमेंट हो रहे हैं इसके लिए अलग है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मोर इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम को रन करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली आपका किसी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है, चाहे आप वो गेम खेल रहे हो, चाहे आप मूवी देखना चाह रहे हो, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप MS Word का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, राइट। इसमें आजकल एक नया टर्म चल रहा है, इसी का जो नया टर्म है वो है FOSS। ये आपने इससे परिचित हो सकता हो या ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो होता है, ये होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, राइट। जिन सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, जनरली मैं कहूँगा जैसे आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर आपने MS Word यूज़ कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का MS Office यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, लाइसेंस की चाहिए, राइट। आपको उसको परचेस करना पड़ेगा, आप परचेस करेंगे, उसके बाद विद दी हेल्प ऑफ लाइसेंस की आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, राइट। तो ओपन, ये तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन FOSS वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप फ्रीली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प से, उसके पास अगर हैं, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। क्योंकि जो ये पेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी, इनके काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं प्राइस होती है, राइट। और जो ये सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, इसके साथ आपको उसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, राइट, और ईजिली आप इनको लर्न कर सकते, राइट। तो ये ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली सीरीज में जो है काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे, और बहुत से सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ से बताया जाएगा, राइट, कैसे हम उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी होंगे, राइट, और प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो इनको भी हम आने वाली क्लासेज में इनका हम अध्ययन करेंगे, राइट। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो हम CPU कहते हैं, ये सब कुछ है, यही कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग है।
लेकिन हार्ट जो है यही है। आपने देखा होगा कि अगर सिस्टम में OS कई बार आप स्टार्ट करते हैं, अब मशीन आपकी स्टार्ट नहीं होती है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है, राइट। उसकी कोई फाइल करप्ट हो जाती है, उसमें वायरस लग आ जाते हैं। अब वायरस क्या होता है, ये टर्म भी आप नोट कर लीजिए, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेज में, राइट। तो वायरस की हो सकता है उनकी फाइल्स को करप्ट कर दे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका फिर बूट नहीं होता है, काम नहीं करता, स्टार्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आपका सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आपको अगेन क्या करना पड़ता है, फिर OS को रीइंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करके आप सिस्टम को अपने क्या करते हैं, दोबारा से इसको रिबूट करते हैं, एंड तब उसके बाद आपका जो है, आप नई से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जो आपको अपने सिस्टम के लिए चाहिए आप इंस्टॉल करिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जनरली क्या है, आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, राइट। सब कुछ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या कर रहा है, आपका रन कर रहा है, सारी चीज जो है आपस में कोलैबोरेट कर रही है और उसके बाद आपका सिस्टम रन कर रहा है, राइट। अब जैसे आप जब हम सब सिस्टम आप लेके आते हो मार्केट से, या कोई भी आप आजकल जैसे स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्टफोन भी अपने आप में कंप्यूटर है, राइट। छोटी सी डिवाइस है आपके हाथ में है, एंड्रॉइड है, उसमें आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर हम जो आप यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने कहा कौन सा कर रहे हैं, विंडोज पॉपुलर है काफी ज्यादा, राइट। आप देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे, नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। इसके भी कई सारे वर्जन आ चुके हैं, राइट। इसके अलावा जो है यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, जो सिस्टम को आपके रन करने में हेल्प करते हैं, राइट। इससे पहले अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जब था तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, अगर आपको मालूम है डॉस, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप वैसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो आजकल जो कॉमन क्वेश्चन है ना, ये आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी एक एक नंबर के कई जगह पूछे जाते हैं, जैसे DOS है, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, ये क्या है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इस तरीके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वन नंबर्स में, वन लाइनर में आते हैं कई बार, तो आप लोग इनको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, राइट। तो डॉस जो था ये पूरा था आपका CUI बेस्ड इंटरफेस था इसमें। अब CUI क्या होता है, इट मीन्स करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें आपको सारी जो है जो भी आप प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड करेंगे, राइट। जैसे अभी आपने कहा, आपने, मैं जनरली आपको एक मोबाइल जो आपके पास स्मार्टफोन है उसके टर्म में बताऊं, या आपके जो विंडोज आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बताऊं, आपने कोई भी अगर एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपको किसी भी कमांड को याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप याद नहीं तो आप इजीली जैसे ऑन कर सकते हैं। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, आपने कहा एमएस ऑफिस में जाना है, आप एमएस ऑफिस क्लिक किया, एमएस वर्ड में क्लिक करा, आपका ओपन हो गया। लेकिन अगर CUI बेस्ड जो आपका था, इस केस में आपको अगर सिस्टम में अगर कोई भी फाइल फोल्डर भी क्रिएट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपको कमांड याद होनी चाहिए। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप टास्क करना, उसमें वर्क करना काफ़ी टफ होता था। जैसे आपसे भी आपने, मैं कहूँ एक फोल्डर बनाइए, तो आप विंडोज में फोल्डर बनाने के लिए आपने डेस्कटॉप पे अगर बनाए तो राइट क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है क्रिएट फोल्डर करके, आप क्रिएट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर करेंगे तो आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। पर CUI बेस्ड में जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वहाँ पर आपको उसके लिए कमांड याद होनी चाहिए कि आप किस कमांड की हेल्प से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। तो ये CUI और उसमें कई सारी कमांड्स थी आपके, चलो आप लिमिटेड कमांड हो तो आप कुछ याद कर लें, 10, 20, 20 अकॉर्डिंग टू द अपनी जो भी आपके लिमिट है आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ब्राइट है, उसने 100 याद कर ली, किसी ने 200 कर ली, किसी ने 10 ही को याद कर पाया, राइट। तो इससे क्या है, उसमें जो CUI बेस्ड था वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, राइट। फिर जैसे हम कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट, आवश्यकता है क्या, आविष्कार की जननी है। तो आगे उसमें वर्क होते रहा, उसके बाद जो हमारा आया GUI आ गया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। इसमें आप क्या कर, आप देखो, आप जो स्मार्टफोन देख रहे हो या विंडोज देखते हो वो पूरा आपका क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उसमें आपको कमांड रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज द कंप्यूटर विदाउट द कमांड, राइट। जस्ट आपने क्या कहा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपने स्टार्ट बटन पे, आप क्या करते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, आप जो आपका CPU है उसमें बटन प्रेस करते हैं, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद आपने अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट कर गए तो पासवर्ड एंटर कीजिए, आपका स्क्रीन सामने, डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, राइट।
बट सी ओ आई बेस में कई सारे लिमिटेशन थी, तो जी ओ आई बेस जब आया तो जी ओ आई ने क्या करा, उसको क्या कर दिया, उससे ओवरकम करके आपके सामने विंडोज के रूप में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो आज भी जो है वर्ल्ड में जो है काफी पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट का ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, राइट। तो ये कुछ बात हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की। आने वाले समय में इसमें हम जो आगे क्लासेस आएंगी इसमें और भी यूनिक्स के बारे में बात करेंगे, लिनक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ फंडामेंटल है तो हम अभी इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, राइट। आने वाली क्लासेस में यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। अब हम कुछ बात करते हैं मेमोरी की। जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी आपके पास है, आपके पास आपकी ह्यूमन बॉडी है, उसमें आपका जो दिमाग है जहां आप स्टोर करते हो कोई भी चीज, रिमेंबर करते हो कोई भी चीज, लर्न करते हो, वो कहां होती है, आपकी मेमोरी में स्टोर होती है, राइट। तो मेमोरी में स्टोर होती है। सिमिलरली जो है कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, अपनी क्या है, मेमोरी है, राइट। क्योंकि अभी इतनी प्रोसेस कर रहा है ये, कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा होगा, आपने इसे इनपुट डाला वो कहाँ गया, कहीं तो स्टोर हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा, प्रोसेस हुई, प्रोसेस के दौरान भी मेमोरी में स्टोर हुआ, उसके बाद आउटपुट आपको दिखा रहा है तो भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है, राइट। तो मेमोरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो है जो इसका ओवरऑल जो हम कह सकते हैं जो ओवरऑल लास्ट में जो निकल के आता है कि हर चीज जो है वो आपस में क्या है, कोलैबोरेट है। जैसे अगर मेमोरी एक इंडिविजुअल पार्ट है, लेकिन मेमोरी तब तक काम नहीं करेगी जब तक अगर इसमें जो है सीपीयू के और जो पार्ट्स हैं वो उसके साथ नहीं होंगे, राइट। अगर हम इनपुट, हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं है, अब सीपीयू लगा रखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेगा सीपीयू। आपने यहां से इनपुट डाला, सीपीयू ने प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट कैसे देखेंगे आप, राइट। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सारी डिवाइसेज हैं, जो सारे पार्ट्स हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं, जो भी यूजर को रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो रिक्वायर्ड को यूजर को जो चाहिए, वो सब दिखाने में जो सारे पार्ट्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सब कोलैबोरेटली मिलके काम करते हैं, राइट। जैसे आप अपनी बॉडी में ही देख लीजिए, आप ह्यूमन बॉडी में ही देख लीजिए, अगर आपके आपका हाथ है, राइट, आप और अपने माइंड से आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किस तरीके से मूव करो, राइट, अगर या आप बाय द वे रोड पर चल रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, राइट, अगर आपका माइंड का कोऑर्डिनेशन उसके साथ नहीं होगा तो आप वो खेल ही नहीं पाओगे। बाय द वे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आपको स्मैश करना है या आपको कोई भी शॉट लेनी है, क्रिकेट खेल रहे हो या रनिंग कर रहे हो, कोई भी आप टास्क कर रहे हो, लेकिन अगर आपके माइंड और उस पार्ट का कोऑर्डिनेशन, हार्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप उसको क्या होगा, वो टास्क क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, अगर किसी भी पार्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं है सही तो वो क्या होगा, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेमोरी में आपको बता रहा था, मेमोरी यहां पर टू टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके भी फिर आगे आगे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का भी। प्राइमरी मेमोरी है वो मेमोरी कहला, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है जिसमें जब तक आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है सिस्टम में तो आपका जो डेटा है वो स्टोर रहेगा उसमें, प्राइमरी मेमोरी, राइट। अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, राइट। जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, आप सभी लोग आजकल इनको यूज़ करते होंगे, आजकल पॉपुलर हैं, या पहले जो था उसमें फ्लॉपी ड्राइव्स आती थी, राइट, सीडी या डीवीडी जो आप देखते हैं, ये सब चीज़ जो है ऑक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्राइमरी की बात करें पहले, प्राइमरी के अंदर भी फिर इसका क्लासिफिकेशन आगे किया जाता है, मैं अभी जनरली आपको हल्का सा इसका ब्रीफअप देता हूँ क्योंकि आने वाले क्लासेस में फिर आप पूरा एक मेमोरी पे ही पूरा एक लेक्चर हम पढ़ेंगे। जैसे प्राइमरी के भी पार्ट होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको आप कहते हैं, पॉपुलर है, और रीड ओनली मेमोरी, राइट, रॉम, रैम एंड रॉम दोनों क्या हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, राइट। रैम जो है आपका, जैसे आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी कट हुई तो रैम से जो आपका डेटा क्या होता है, मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सिस्टम आपने खोल के रखा हुआ है और आपके उसमें यूपीएस नहीं लगा हुआ है, यूपीएस क्या है, एक डिवाइस है जो आपको क्या करता है, करंट कट होने की स्थिति में भी आपको क्या करता है, कंटिन्यूसली आपको क्या करता है, करंट प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को,
एक तरीके से आप बड़े लेवल पर जनरेटर जो होता है आप देखते होंगे, जनरेटर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी आती है, वैसी जो यूपीएस है आपका, आपको यूपीएस की कैपेसिटी के ऊपर वो आपको 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है, अगर थोड़ा बड़ा यूपीएस है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो एक घंटा, राइट, इस तरीके से आपको बैकअप प्रोवाइड करता है ताकि जो आपका डेटा क्या हो वो एकदम से क्या हो, लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएस आपके पास नहीं है और आपने स्क्रीन पे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ है, या वर्ड जो मैंने कहा एम एस वर्ड आपने खोला हुआ है और उसमें आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अपना रिज्यूम बना रहे हैं, एनी टास्क यू आर डूइंग, और सडनली क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, तो जो आपके अगर आपने डेटा सेव नहीं किया हुआ है तो जो आपको स्क्रीन पे जो भी आपने वर्क किया हो वो सारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये क्योंकि सारा डेटा वो कहाँ पर है, रैम पे है, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे है, तो रैम के साथ ये प्रॉब्लम है, राइट। इसीलिए जो है अदर मेमोरीज होती हैं, जो हमारी जो मैं बता रहा था आपको सेकेंडरी मेमोरीज हैं, इसीलिए हमारी जो भी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, जो भी आप वर्क करते हो रैम में एक बार कंप्लीट होने के बाद सेव होने के लिए, वो हमेशा आप सेकेंडरी मेमोरी में रखते हो, हार्ड डिस्क जो आप जानते हो, राइट, हार्ड डिस्क जो पॉपुलर है उसमें आप क्या कर रहे हैं, सारा डेटा हार्ड डिस्क में आपका स्टोर हो जाता है, और जब भी आप कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हो वो फिर आपका रैम पे ही ओपन होता है, राइट, या आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी तो सिस्टम में जब ओपन होता है तो आपके रैम पे डिस्प्ले होता है, राइट। जो दूसरा इसका मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी का रॉम, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, राइट। इसका टास्क क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल जब आप एक नया कंप्यूटर लेके आते हैं, राइट, या कोई भी नई मशीन लेके आते हो, या आपके स्मार्टफोन ही आपके पास है, आप नया स्मार्टफोन खरीदते हो, तो आप जैसे उसको ऑन करते हो तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, राइट, उसमें तो आपके पास तो ओएस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपने जिस कंपनी को आप यूज़ कर रहे हो, आईओएस है तो उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें इनबिल्ट रहता है, राइट। अगर नॉर्मली अगर आप जब फ्रेश जो है शॉपकीपर जो या जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिस्टम में होने चाहिए, है ना। मशीन में आप कंप्यूटर है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मैंने या तो पेन ड्राइव की हेल्प से मैं कर रहा हूँ या डीवीडी ड्राइव की हेल्प से कर रहा हूँ, तो डीवीडी को रीड कैसे करेगा या यूएसबी को रीड कैसे करेगा, उस डीवीडी को उस यूएसबी को रीड करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से क्या है वो आपके सिस्टम में स्टोर रहते हैं, किसमें, रॉम में, रीड ओनली मेमोरी में, राइट। और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आप क्या कर सकते हो, उनको आप इरेज नहीं कर सकते, राइट। इसके भी रॉम के पार्ट होते हैं, जैसे पी रॉम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ई पी रॉम होता है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, एक फिर ईईपी रॉम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसमें क्या होता है, फिर इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं जनरल से आपको एक व्यू देता हूँ कि जो आपका ई रॉम होता है इसमें आप जो है अल्ट्रा वायलेट रेजेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो प्रोग्राम है उनको आप रिमूव कर सकते हो, राइट। और जो ई इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसमें आप विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, दोबारा से रीराइट कर सकते हो, राइट। तो ये हम आने वाले टर्म में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने मैंने आपको बताया रैम और रोम है, सेकेंडरी की मेमोरी के अंदर आपने देख लिया हार्ड डिस्क हो गई, सीडी डीवीडी फ्लॉपी ड्राइव यूएसबी, जो भी जिनमें आप एक्सटर्नल डेटा को क्या कर सकते हैं पोर्ट कर सकते हो, वो सब आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, राइट। तो ये मेमोरी का पार्ट हो गया। और फिर आज हमने देखे क्या क्या पढ़ा, फंडामेंटल में स्टार्टिंग से एक बार आपको फिर से इसको एक बार ब्रीफअप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, कैसे हमने कंप्यूटर वर्क करता है, राइट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पार्ट पार्ट पार्ट्स क्या क्या हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कैसे आता है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, राइट। प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स की बात करी हमने, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा मेमोरी पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, राइट। आगे आने वाली सीरीज में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। जैसे अभी हमने कोई डेटा इसमें इंसर्ट हम कर रहे हैं, जो हम सीपीयू आपका प्रोसेस कर रहा है, वो सीपीयू प्रोसेस करता कैसे है, कंप्यूटर की समझ में आता क्या है, कंप्यूटर जो है नंबर्स को रीड करता है, राइट। हमने जैसे आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हो, कोई भी आपने डाला, मैंने उसमें आपने जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए क्लिक करा, तो कंप्यूटर क्लिक को अंडरस्टैंड नहीं करता है, उस क्लिक का कोई ना कोई नंबर है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है ओनली,
जीरो एंड वन। तो ये कैसे होता है, कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर में इसकी क्या उपयोगिता है, राइट, ये हम आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे। राइट, तब तक आप लोग इसको रिविजन कीजिए और उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में फिर ध्यानपूर्वक इस कक्षा को पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, नमस्कार।